वाराणसी में राष्ट्रीय अंबेडकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भारती सूर्य आज भगवतीपुर कपसेठी ईंट भट्टा कांड पीड़ितों के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर एजी लर्सन से मुलाकात कर आरोपी ईंट भट्टा मालिक गुंजन व चंदन जायसवाल के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जेपीसी डॉक्टर एजी लर्सन ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया और थानाध्यक्ष कप सेठी को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बताते चले कि 23 अप्रैल 2024 को ग्राम भगवतीपुर के भट्टा पर पानी की 10 से 12 फुट ऊंची टंकी भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें सोनू बनवासी का 6 साल का पुत्र विकास तथा मनोज का 4 साल का पुत्र कल्लू दबकर बुरी तरह से घायल हो गए। मनोज बनवासी के पुत्र कल्लू की तत्काल मौत हो गई। नाम बताइए अपना। हमारा नाम जीरा है। क्या हुआ था आपके साथ? हुआ था, वो लड़का हमारे 4 साल का रहा था भाई का। कैसे? टंकी गिर गया, फट गया टंकी, वो लड़का हमारे दबक मार गए। अभी आप क्या चाहती हैं? चाहते यह है कि मालिक हमारे कानून सुनवाई नहीं करें, थाना सुनाई करो, सुनवाई है। अभी यहाँ पे किस लिए आई थी और सर ने क्या कहा? कार्रवाई के लिए कहे हैं। कार्रवाई के लिए कहे हैं? ठीक है। मैं राजेश भारती सूर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर दल और भारत के 11 राजनीतिक दलों से बने राष्ट्रीय राजनीतिक समता गठबंधन का भी मैं चेयरमैन हूँ। आज यहाँ कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट में आए हुए, क्या मामला है? देखिए, ये कपसेठी थाने अंतर्गत एक ईंट भट्टा है। उस ईंट भट्टे पर मनोज बनवासी जो है और उनकी पत्नी दीदा देवी, ये ईंट पाथने का काम करते थे। 23 अप्रैल 2024 को जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और हादसा ये था कि पानी की एक टंकी है और उस टंकी को ये लोग कहते रहे अपने भट्टे मालिक से कि ये जर्जर हो गई है, इसको आप ठीक करवा दीजिए। लेकिन भट्टा मालिक जो है गुंजन जायसवाल, और क्या नाम है, चंदन और गुंजन जायसवाल जो थे, उन्होंने इसे ठीक नहीं करवाया। एक दिन हादसा यह हुआ कि 23 अप्रैल को वो टंकी जो है वो पानी भरने के ज़्यादा दबाव से फट गई और फटने के बाद जो है उसकी तमाम ईंटें और मलबा जो है वो गिर पड़ा और नीचे जो है 3 मजदूर और 2 बच्चे दब गए। उनमें से एक बच्चा 4 वर्षीय कल्लू, उसकी मौत हो गई, जो आप दोनों का पुत्र था। जो है इन्होंने जो है पुलिस को तहरीर दिया और आज तक इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ बावजूद उसके जो है। उसके बाद अभी जो है आज हम ये लोग हमसे संपर्क किए अधिवक्ता सत्येंद्र यादव ने और जो है बनवासी समाज के जो है जो मुखिया है उन्होंने ने मुझसे आकर के कहा इस बारे में कि इस तरह की समस्या है। तो मैंने इन लोगों के साथ जो है आज पुलिस आयुक्त महोदय से मैंने मुलाकात किया और मुलाकात के बाद जो है आज यहां से आदेश हुआ है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और दोषी भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस जो है वो भट्टा मालिक से मिली हुई थी, लेकिन जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हमने जो है इस पर कड़ा ऐतराज जताया आज पुलिस आयुक्त के समक्ष जो है, और पुलिस आयुक्त महोदय ने जो है इसकी गंभीरता को समझा और उसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज करने के कपसेठी पुलिस को आदेश दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।